नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच। एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी, एग्रो कमोडिटीज के अंदर चाहे वो चर सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो, या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। नमस्कार, 27 अप्रैल सन 2021, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से अतीत होता हूँ। चीनी, चना, सोयाबीन, हल्दी एवं जीरा पर हमारी पिछली भविष्यवाणी लगातार सत्य साबित होती जा रही हैं। सोयाबीन एवं सरसों में 8-10% की बड़ी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखी गई। आपको याद होगा, हमने आपको पहले एडवांस में ही चेताया था कि अप्रैल माह का वायदा कटने के बाद सोयाबीन और सरसों के अंदर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, और सोयाबीन में 20 अप्रैल के बाद लगभग 5 कारोबारी दिन के अंदर 1300 रुपये की बड़ी मंदी एवं सरसों में लगभग 850-850 रुपये की बड़ी मंदी दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने हमारे इस एडवांस अलर्ट का फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर कारोबारियों के अलावा सट्टेबाजी भी बहुत अधिक बढ़ गई थी, और इसीलिए NCDX ने 3% का अतिरिक्त मार्जिन भी 22 अप्रैल से लगाने की घोषणा की, जिसके लिए हमने लगातार अपने चैनल पर आपको आगाह किया था। क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर भी हमारी भविष्यवाणी अक्षत सत्य साबित होती देखी गई। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कृषि जिंसों का उत्पादन, फसलों में होने वाली बीमारियां आदि का अग्रिम अनुमान हमारे ऋषि मुनि सदियों से सही और सटीकता से लगाते आए हैं। मानसून के ऊपर भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी अक्सर बेहतर और सत्य साबित होती देखी गई हैं। ये एक विचारणीय विषय है कि हमारे रहस्यमयी भारतीय की रहस्यमयी विद्याएं आयुर्वेद एवं ज्योतिष के ऊपर अभी अनुसंधान बिल्कुल कम हो गया है। COVID-19 की जबरदस्त परेशानियों, विश्वव्यापी परेशानियों का भी हल आयुर्वेद के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स इसके ऊपर काम करने में कतरा रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से भी रिसर्च और विश्लेषण सिर्फ सीमित मात्रा में रह गया है, और संस्कृत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित होने के बावजूद भी सिर्फ पठन पाठन और कर्मकांड के ऊपर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसका उपयोग क्या हो, इसका जनसाधारण के लिए क्या उपयोग हो, इसके ऊपर रिसर्च बिल्कुल नगण्य हो गया है। दोस्तों, हमने इसका बीड़ा उठाया हुआ है पिछले लगभग 22 सालों से। वित्त ज्योतिष के माध्यम से, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, मानसून, कृषि जिंसों का लाभ हर आमो खास को मिले, आमजन को मिले, ये हमारा प्रयास रहा है। और देश विदेश के लगभग सभी बड़े बिजनेस टीवी चैनल, बिजनेस अखबार और टीवी चैनल्स के ऊपर हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का श्रेष्ठता का डंका लगातार बजाया है और इसको श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन मित्रों, इसमें अभी भी अनुसंधान रिसर्च की बहुत बहुत आवश्यकता है, और इसके अंदर हम लगातार चलते रहेंगे। आप भी भारत की इन रहस्यमय विद्याओं को प्रमोट करना चाहते हैं, भारत को पुनः विश्वगुरु और जगतगुरु का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो इसके अनुसंधान और रिसर्च के लिए आप आगे आएँ और इस चैनल को और को प्रमोट करें और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य भेजें। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्य पढ़ें। आज, इससे पहले हम आगे चलें, आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा तुला राशि में विचरण कर रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र 30 डिग्री के मध्य आप विचरण कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। गुरु कुंभ राशि के अंदर हैं और शनि मकर राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि के अंदर विचरण कर रहे हैं। ये सब ग्रह स्थिति आज संभवतः बाजारों के अंदर ऑयल सीड यानी तिलहन के अंदर तेजी का रुख दर्शा रही है। आज ग्रह स्थिति अनुसार
सरसों एवं सोयाबीन में मजबूती दर्ज हो सकती है। सभी किसान बंधुओं, कारोबारी बंधुओं, आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर सरसों एवं सोयाबीन के आपकी मंडी के भाव जरूर लिखें, जिससे सभी को लाइव वस्तु स्थिति का पता चलता रहे। ये एक दूसरे की मदद करना निश्चित रूप से सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप अपना शहर का नाम लिखकर सरसों एवं सोयाबीन का मंडी का भाव अवश्य लिखें। इस विशेष शो में हम अरंडी पर बात करेंगे। इस वर्ष अरंडी में बुआई 25% एवं उपज 20% घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अरंडा का उत्पादन लगभग 1,40,000 टन का अनुमान लगाया जा रहा है और गुजरात में अरंडी की आवक लगभग 1,70,000 से 1,75,000 बोरी बताई जा रही है, लेकिन कोविड 19 की वजह से कुछ मंडियों के अंदर आवक के ऊपर और लॉकडाउन का असर भी पड़ रहा है। चालू वर्ष में 4 महीने की फसल चना, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली में अच्छा पैसा एवं जल्दी पैसा मिलता है, जबकि अरंडी की फसल को लंबे समय तक देखना और संभालना पड़ता है, ऐसा किसान भाइयों का सोचना और कहना है। क्या सरसों एवं सोयाबीन में तेजी अब सीमित समय की है या फिर अभी और इसमें जान बाकी है या फाइनल तूफानी तेजी बाकी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न सभी कारोबारी बंधु एवं किसान बंधुओं के जहन में है। आप सभी अपना मत रुझान कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, हम आने वाले अगले कुछ शो इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। क्या यह तेजी सरसों और सोयाबीन की अभी बाकी है? हम अपने पेड क्लाइंट्स को इसकी सूचना आज दे देंगे। ऑयल सीड के बड़े व्यापारी एवं मिल ऑनर्स सरसों एवं सोयाबीन की लंबी तेजी मंदी की विशेष रिपोर्ट भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। कमोडिटी वॉच, आज कच्चे तेल में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, शॉर्ट सेल करने वाले कच्चे तेल में सावधान रहें। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार एवं कृषि जिंसों की तेजी मंदी के विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। गवार सीड में हमने आपको कहा था कि आगे 1 या 2 दिन के अंदर तेजी बन सकती है, देखिए आज गवार सीड एवं गवार गम के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, आप भी सीख सकते हो इस रहस्यमय विद्याओं को ऑनलाइन घर बैठे शनिवार एवं रविवार को 1 से 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।